SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से खाई में गिरा युवक, घटनास्थल पर हुई मौत। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ के रोपवे पर हुए हादसे में दो की मौत पहले हो चुकी थी, अब एक और युवक की मौत रेस्क्यू के दौरान हो गई है। अब तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। 32 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, 15 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। फिलहाल अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू बंद कर दिया गया है। अब कल सुबह रोपवे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू होगा। त्रिकुट पहाड़ के रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। एयरफोर्स, NDRF और ITBP के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रोपवे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसी दौरान एक पर्यटक की मौत हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण हो गई है। बताया जाता है कि एक युवक का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा था। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश जब युवक कर रहा था, तभी हाथ फिसलने के कारण वह हेलीकॉप्टर से गहरी खाई में गिरा, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इस दौरान अब तक 3 पर्यटकों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। 28 घंटे बाद भी अभी भी 16 लोग रोपवे में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने में सेना, एयरफोर्स, ITBP और NDRF की टीम जुट गई है। अहले सुबह से राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक 32 पर्यटकों को रोपवे से निकाला जा चुका है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शाम 5:30 बजे के करीब एक युवक हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान खाई में गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि रविवार की शाम 4 बजे पहाड़ पर बने मंदिर की ओर जब एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गई, तभी तारों पर अचानक लोड बढ़ने के कारण रोलर टूट गया और 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई। इस दौरान 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए और 2 लोग की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं आज रेस्क्यू के दौरान एक युवक हेलीकॉप्टर से खाई में गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। अब तक कुल 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। SN Live से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।